यानी कि मुफ्त बिजली पानी और जाहिर सी बात है निशाने पर यह शख्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपको बता दूं कि मुफ्त की रेवड़ी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोरों से घेरा है न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने बल्कि कांग्रेस ने भी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही हैं कि जब आप अपने दोस्तों को मुफ्त की रेवड़ी देते हैं वो सब सही है, मगर जब गरीब जनता के हाथ हम कुछ देने की कोशिश करते हैं तो आपको उस बात पर आपत्ति है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर दरअसल कहा क्या है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये नीति नहीं अनीति है, इसमें राष्ट्र का हित नहीं ये राष्ट्र अहित है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ये नीति नहीं अनीति है, ये राष्ट्रहित नहीं ये राष्ट्र अहित है, ये राष्ट्र निर्माण नहीं राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। अब जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने इस पर किस तरह से हमले बोला। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आपके स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी क्या है समझिए, मोदी सरकार में 12,40,000 करोड़ के लोन माफ हुए, 5,00,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ, 1,84,000 करोड़ के कॉरपोरेट टैक्स में छूट से नुकसान, पूंजीपतियों का टैक्स माफ नहीं करते तो जनता के खाने पर जीएसटी नहीं लगानी पड़ती। करारा हमला यहां पर बोला है संजय सिंह ने, क्या वो बोल रहे हैं आइए सुनते हैं। अरे मुफ्त की रेवड़ी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक करके। इस देश के, और ये आरबीआई का आंकड़ा मैं पढ़ रहा हूं, चंद पूंजीपतियों का जो बैंक लोन माफ किया गया, राइट ऑफ किया गया, और आंकड़ा मैं 2014-15 से ही पढ़ूंगा, 2013-14 में 19,814 करोड़ रुपए, 2014-15 में 60,196 करोड़ रुपए, 2015-16 में 72,501 करोड़ रुपए, 2016-17 में 1,07,823 करोड़ रुपए, 2017-18 में 1,62,733 करोड़ रुपए, 2018-19 में 2,36,725 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2,37,924 करोड़ रुपए और 2020-21 में 2,08,133 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 12,58,365 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया है 2013-14 से अगर आंकड़ा देखें तो, और अगर उसमें 19,814 करोड़ रुपए निकाल भी दें तो 2014-15 से करीब करीब 12,40,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया है, माफ किया गया है। जितने बैंक घोटाले हुए जहां पे जनता का पैसा जमा था, ये बैंक घोटाले किए गए, लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले। कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स मैंने बताया था कि 30% से घटा के 22% किया इन्होंने, यानी कि पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% किया, और उसका घाटा कितना हुआ, 1,84,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ बजट को। तो पूंजीपतियों का टैक्स अगर आप माफ नहीं करते तो आपको जनता के ऊपर आटा दाल चावल के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको दूध दही छाछ पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी, आपको इस तरह से टैक्स का बोझ जनता के ऊपर लादने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी चिंता तो कॉरपोरेट टैक्स घटाने की है।